हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 8 का जो इंग्लिश का आपका 3.4 लेसर है, इसका यहाँ पे जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हो जो है आपका वार्मिंग अप का, द डेली रूटीन ऑफ योर मदर एंड द फादर ऑन द वर्किंग डे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ योर फैमिली रिलैक्स ऑन द वीकेंड। तो आपकी फैमिली रिलैक्स कैसे करती है वीकेंड के ऊपर, तो इसके अलग अलग आंसर सबके हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं वीकेंड पे बहुत सारे अलग अलग चीजें करते हैं, तो उस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हेन यू गो फॉर द पिकनिक व्हाट एंड द हाउ डू यू एंजॉय। अगर आप कभी पिकनिक पे जाते हो तो आप किस तरीके से इंजॉय करते हो, कैसे इंजॉय करते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे कि डू यू स्पेंड टाइम एडमायरिंग एंड द थिंकिंग ओवर द ब्यूटीज ऑफ नेचर, ओके एलेबोरेट योर रिस्पॉन्स। तो अगर आप कभी भी ऐसे घूमने जाते हो तो क्या ऐसे आप नेचर के बारे में बताते हो, नेचर के बारे में बात करते हो, तो इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वेन अ पोस्ट राइटर अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द समथिंग इन द वर्ल्ड सो दैट इज अपील टू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर 5 सेंसेस जैसे स्मेल है, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, ओके साइट है यानी देखना है, विजिबिलिटी है, ओके तो इस चीज का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे जो आंसर है ओके वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारा सारा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर एंड द एक्रोस्टिक फॉर्म द वर्ड लाइसर्स द वर्ड शुड बी रिलेटेड टू दैट, ओके जैसे एल से है ओके लर्निंग न्यू थिंग्स, ई से एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, लाइटनिंग क्रिएटिविटी और सस्पेंडिंग टाइम विद द लव वंस अंडर, उसके बाद अनवाइंडिंग एंड द रिलैक्सिंग, उसके बाद रिचार्जिंग एंड रिजुवेनेटिंग, ओके उसके बाद ई है यहाँ पे एस्केपिंग फ्रॉम द एवरीडे रीडिंग स्टोरीज। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट वॉन्ट टू शेयर एट एंड द गेन फ्रॉम इट, ओके तो यहाँ पे आपको उसका भी यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट जो आंसर है पोएट का वो यहाँ पे आपको दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लिस्ट द ब्यूटिफुल थिंग्स इन द नेचर दैट वी ओवरलुक, ओके तो आपको ये बताना है कि अगर आप नेचर में देखते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें बहुत ही शानदार लगती है और आप उस चीज को कैसे आप ये कर सकते हो, बता सकते हो, ओवरलुक कर सकते हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ से आप पूरा एक जो कंप्लीट जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके उसके बाद यहाँ पे जो मेन आपका इंग्लिश वर्कशॉप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पूछा गया है कि काउस एंड द शीप्स स्टैंड बीनेथ द बॉथ, ओके उसके बाद स्क्वायरल स्टोर देयर फूड इन द ग्रास, स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे टाइम, ओके ब्यूटी स्माइल बिगिन इन हर आई। तो ये सारी चीजों का जहाँ पे चारों का जो आंसर है आप उसके नीचे देख सकते हो, ये आपका ए है, ठीक है सॉरी ये आपका यहाँ पे ये वाला ए है, ये आपका बी का आंसर है, ये आपका सी और ये आपका डी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के सभी जो आंसर है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स व्हाट कुड हैव द इंस्पायर द पोएट टू कंपोज द पोएम, डू यू थिंक इट रिलेटेड टू अवर प्रेजेंट डे लाइफ, डिफेंड योर चॉइस, ओके तो इस हिसाब से यहाँ पे आप इसका एक कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच लाइन प्रूव दैट इन अवर बिजी लाइफ वी डू नॉट इवन हैव द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू इंजॉय नेचर ब्यूटी, ओके तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, ओके सी वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि ब्यूटी इन द स्टैंजा 5 to 6 कैन रेफर टू द ब्यूटीफुल मेडन एज वेल एज नेचर इटसेल्फ, एक्सप्लेन व्हेन एंड हाउ नेचर डांस एंड ऑल्सो स्माइल, तो उसका यहाँ पे आप पूरा एक प्रॉपर जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई डज द पोएट कॉल अवर लाइफ पुअर, तो जो पोएट है वो अपनी लाइफ को पुअर क्यों कहते हैं, तो इसका यहाँ पे आप पूरा एक प्रॉपर जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव लर्न दैट वेन अ ह्यूमन एट्रीब्यूट टू गिवन टू द एनीथिंग दैट इज नॉट अ ह्यूमन बींग और इट इज स्पोकन टू एज अ पर्सन द फिगर ऑफ स्पीच यूज इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन, ओके तो यहाँ पे इसका अगर आप सबका आंसर देखते हो, ये पहले का आंसर, ये बी का और ये सी का, तो सभी के आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि से वेदर द इमेज फ्रॉम द नेचर गिवन इन द पोएम एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो नेचर के हिसाब से यहाँ पे आपको इमेज दी है पोएम के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है, चाहे आपका एयर हो, लैंड हो, वाटर हो। ओके, तो ये सारी चीजों का जो आंसर है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पोएम पूछा है, जो पोएम है आपका लाइसर इन योर ओन सिंपल वर्ड, राइट इट डाउन योर नोटबुक। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा है, और हमने ये लिख के दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है और आपका वार्मिंग अप है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।